32वां रास्ता सुरक्षा अभियान। इन दिनों मीरा भाईंदर में रास्ता सुरक्षा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत में आज हम भाईंदर के गोल्डन एस पुलिस चौकी पर खड़े हैं, जहां हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग ने कैसे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस मेडिकल कैंप का मतलब ये है कि इस कैंप के अंदर कोई भी आम जनता का कोई भी इंसान आकर अपना चेकअप करवा सकता है। ये सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए ये अभियान चलाया गया है। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। सर, 32वां रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत में आज पुलिस वालों ने मेडिकल कैंप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? जो कैंप अरेंजमेंट किया है सुरक्षा सप्ताह के मतलब से क्या आयोजन किया है इसका। इसमें जनरल चेकअप होगा, ब्लड शुगर चेक किया जाएगा, BMI और ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, और कोई क्रॉनिक डिजीज रहेगा तो उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी। जनरल चेकअप होगा इसका, और कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता है क्योंकि अपने को BP, डायबिटीज़ कुछ ऐसा बीमारी है क्रॉनिक, तो इसके माध्यम से मालूम होगा, उसके हिसाब से दवाई चलूँगी। सर, ये कैंप पुलिस वालों के लिए या कोई भी पब्लिक जनता में से कोई भी आके चेकअप करा सकता है? हाँ, ये सबके लिए है, जनरल आम पब्लिक के लिए भी है और ट्रैफिक पुलिस के लिए तो भी, और इसका सब फायदा उठा सकते हैं। सर, कैंप के आज इस कैंप के अंदर कौन क्या क्या चेकिंग हो सकती है? सर, इस कैंप में जनरल चेकअप होगा, जैसे कि ब्लड शुगर चेक हो जाएगा, BP चेक हो जाएगा, BMI चेक हो जाएगा, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जनरल चेकअप है और ये सबके लिए है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं। मेरा भाईंदर वसई विरार के काशी मेरा क्षेत्र में ये अपना फ्री मेडिकल कैंप आयोजन किया है। इस फ्री मेडिकल कैंप को अपना सारथी फाउंडेशन और आप सभी लोगों का बहुत सहकार्य है, और आपके ही कोऑपरेशन से हम ये कार्यक्रम सफल कर रहे हैं। तो आप लोग इधर के स्थानिक लोग हैं, आप लोग सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चालक हो, ड्राइवर हो या चालक मालक हो, जो प्रवासी जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनको बुलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेडिकल चेकअप कर लीजिए और सक्सेस ये कार्यक्रम सक्सेस कर लीजिए। ये हमारे पुलिस आयुक्तालय मेरा भाईंदर तरफ के मैं विनती करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ।